प्रदेश भर में साझा मोर्चा के आह्वान पर आज रोडवेज बस का चक्का जाम है और रोडवेज बस की सोनीपत डिपो से भी कोई भी बस नहीं गई है। लेकिन जिस प्रकार से आज जो है भैया दूज का भी त्यौहार है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर कलेवा बांधने के लिए और भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए घरों से निकली थी, लेकिन उन्हें भी परेशानी हो रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य गेट पर जो बहनें हैं वो लगातार बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं और जानकारी जो है वो ले रही हैं कि बसें चल रही हैं नहीं चल रही है। और लगातार इस प्रकार से महिलाएं भी लगातार बस स्टैंड पर पहुंच रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बात करें तो हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की तरफ से जो है आज जो ऐलान किया गया उसके बाद जो है सोनीपत में भी चक्का जाम है। और उस लिहाज से रेलवे में अगर बात करें तो रेलवे में भी काफी भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर लगातार देखी जा रही है, यानी कि भैया दूज का त्यौहार बहनों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत भरा जरूर हो रहा है, क्योंकि यातायात के लिए कहीं ना कहीं बसें उन्हें नहीं मिल रही हैं, दूर दराज जाने वाली बहनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह बात। बस नहीं जा रही, बस नहीं चल रही। Thank you.